मॉर्निंग फ्रेंड्स, टुडे अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी सेशन फॉर दोस हु वांट टू मेक देयर करियर इन बैंकिंग सेक्टर। एंड टुडे वी हैव अ कैंडिडेट हु वांट टू गो इन आईसीआईसीआई बैंक एंड दिस इज वन ऑफ द फनेस्ट बैंक। सो मिस्टर मनप्रीत, इजंट इट? यस सर। ओके, सो मनप्रीत, यू वांट टू गो इन आईसीआईसीआई बैंक, इजंट इट? सो व्हाई यू चूज बैंकिंग सेक्टर? क्या रीजन रहा दैट यू वांट टू गो इन बैंकिंग सेक्टर ओनली? आईसीआईसीआई बैंक इज सेकंड लार्जेस्ट बैंक इन इंडिया। ओके, सो इट इज very chance to grow our my strength. Okay, so any more reason banking sector mein kyun choose kara aapne life ko? Loudly please. Sir, banking sector is a personality development sector. Okay, ye personality develop karta hai hamari. Yes, okay sir. So I okay so koi aapki hobbies kya hai? My hobbies are reading books and interacting new personality. It's a good point. You can state, sir, interacting new personality is a part and parcel of this job. Yes, sir. Which itself are my hobbies. Yes, so sir. You can correlate your hobbies with certain jobs, isn't it? Right? Yes, sir. Okay. So, Mr. Manpreet, you stated that you want to go in ICICI Bank. क्या कुछ बैंकिंग टर्म पढ़कर आए हो? Yes, sir. कुछ नई बातें पूछी जाए आपसे? Yes, sir. चलिए तो हमें बताइए कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज क्या होती है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, डेट रेटिंग एजेंसी। ओके, डेट रेटिंग एजेंसीज बोला जाता ही नहीं, राइट? यस सर। DEBT, बी साइलेंट रहता है इसलिए इसे डेट बोलते हैं, डेट रेटिंग एजेंसी, राइट? ये क्रेडिट वर्दीनेस बताता है डेट इश्यूअर की, इज इट? Yes, कुछ एग्जांपल दो मुझे। क्रिसिल, इकरा, ऑन इकरा, ऑन के ऑन इकरा, क्रिसिल, सिविल। ओके, सो यू हैव स्टेटेड द नेम्स क्रिसिल, दैट इज क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड, इजंट इट? यस सर। देन यू स्टेटेड इकरा, इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड। यस सर। एंड इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट इज केयर। यस सर। सुना आपने नाम? यस सर। क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड। यस सर। ओके, एंड द नेक्स्ट इज डफ एंड फ्लेप्स, राइट? ओनिक्रा भी बोला आपने? ओनिक्रा। यस सर। कुछ इंटरनेशनल क्रेडिट एजेंसीज के नाम सुने आपने? यस सर। बताइए। मूडीज एंड पुअर। वेरी गुड, इट इज मूडीज। मूडीज। ओके, एंड स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, इजंट इट? फिच। फिच रेटिंग एजेंसीज। यस सर। चलिए, अच्छा बताया आपने। एनपीए वर्ड, हैव यू हर्ड अबाउट द वर्ड एनपीए? यस सर। बताइए। 90 डेज का कोई लॉग इन पीरियड होता है जिसके अंदर अंदर डेट इश्यू नहीं है, डेट नहीं दे पाता कोई व्यक्ति, या जो अमाउंट नहीं दे पाता। सर, व्हेन इंटरेस्टर इज ड्यू फॉर टू ए बैंक रिमेन 90 डेज, ओके, द एंटायर बैंक लोन ऑटोमेटिकली थ्रो टर्न्स टू एनपीए। फुल फॉर्म क्या है इसकी? नॉन परफॉर्मिंग एक्ट। असेट्स। ओके, कौन सा एक्ट इसके ऊपर लागू होता है? सरफेसी एक्ट। वेरी गुड, इट इज द सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, इज इट? यस सर। चलिए, ओके, बैंक क्लर्क की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बता सकते हैं? यस सर। बताइए। हैंडल कस्टमर एंड देयर ट्रांजैक्शन। लाउडली बोलो यार। हैंडल कस्टमर एंड देयर ट्रांजैक्शन एंड फाइनेंशियल टू बैंक। ओके, मोर बताइए, ज्यादा सारी चाहिए मुझे। ओके सर, हैंडल कस्टमर इंक्वायरीज एंड रिस्पोंड, एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड पे लोन्स, राइट, एंड असिस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट इन देयर प्रोफेशनल। ओके, एंड ऑल डिपॉजिट एंड क्रेडिट उसमें कंप्यूटर में सर, उसको ऑब्वियसली कंप्यूटर वर्क वगैरह सिस्टम में ऐड करना। yes, बिल्कुल सही है। yes, कुछ और सर? जब सारे काम को लास्ट में उसके द्वारा मिलान करना सरकार। ओके, मनी को मिलान करना। इसे परफॉर्म फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ कैश एट द एंड ऑफ द डे एंड रिकंसील विद बैंकिंग रिकॉर्ड्स, राइट? अदर देन दैट, एज यू स्टेटेड, असिस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट इन देयर टास्क, एजुकेट कस्टमर्स ऑन बैंक प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, prepare and record all deposits and payments into bank's computer system, that you stated. Yes, right? आपने ये भी बताया था, check the availability of funds before making payments to customers, make payment to bank customers after checking and validating customers' signatures on checks, right? Yes, sir. Process and accept deposits, loan payments from bank customers. Yes. Answers and respond to customer inquiries on financial transactions. Yes, sir. And handles customers with their financial terms through clerical functions, right? Yes, sir. क्या मुझे बता सकते हो एक प्रोबेटरी ऑफिसर, जिसे पीओ की पोस्ट बोलते हैं, प्रोबेशनरी ऑफिसर जो मैं बोलूं, सॉरी,
क्या इसका क्या रोल होता है, इसका क्या काम होता है इन चीजों के अलावा? सर ये जो बैंक में कर्मचारी कार्य करते हैं उन पर ये देख रेख करते हैं कि वो उनका ओके वन थिंग इज टू हैंडल देम, टू कंट्रोल देम, आई कैन से लीडरशिप क्वालिटीज, इजंट इट? मतलब उनमें टीम स्पिरिट की भावना होना बहुत जरूरी है, इजंट इट? उनको अपने जूनियर्स को कंट्रोल करना पड़ता है, राइट? सो मिस्टर मनप्रीत, आपके नाम का मीनिंग क्या है? मैन, लवर ऑफ मैनकाइंड। ओह रियली? यस सर। आप जानते हैं कि लवर ऑफ मैनकाइंड को एक पर्टिकुलर वर्ड दिया जाता है, उसे बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। तो आज के बाद जब कभी इंटरव्यूअर आपको बोले व्हाट डज योर नेम मीन, आप बोलना सर माय नेम मींस फिलैंथ्रोपिस्ट पर्सनालिटी एंड आई एम अ लवर ऑफ मैनकाइंड सर। ओके, जब आप इस तरीके से बोलोगे तो आपकी पर्सनालिटी और अच्छी लगेगी, राइट? मनप्रीत, व्हाट इज योर वीकनेस? आई नीड टू You need what? You need to develop something, you need to improve something, what? I need to improve my English. Okay. So you feel that English is your big hurdle for your profession? Yes, sir. Okay. So you want to develop? Yes, sir. चलो, सबसे अच्छी बात है ये कि आप अपनी weakness को जानते हो, लोगों को अपनी weakness के बारे में मालूम ही नहीं होता। चलिए, आप अपनी weakness के बारे में जानते हो तो आप अपनी weakness को improve करने के लिए कुछ कर रहे हैं दिनों? Yes, sir. क्या कर रहे हो? English book मैं पढ़ रहा हूँ। पढ़ते हो? Yes sir। Newspapers वगैरह read करते हो loudly? Yes sir। Lectures वगैरह सुनते हो? Yes sir। PD के videos देखते हो? Yes sir। हमारी classes ने आपको 250 above videos दे रखे spoken English के, उनको go through किया करो, आपकी English अच्छी हो जाएगी। Okay? चलिए, मैं girls को handle दे रहा हूँ। Yes Kunika and Lavisha, you can ask the questions। Yes sir। So what is the inflation? Inflation, inflation is defined as increases, sustained increases in the general level of price for goods and service. As inflation riser in the value of currency goes down, yes. Thus the purchasing power of currency goes down. Very. In India, two type index, CPI and WPI, consumer price index and wholesale price index. Shabash. Are as measured inflation. Okay. और inflation को control कैसे किया जाता है? RBI और government के द्वारा. Okay. RBI कैसे control करता है? सर उसकी दरों में बढ़ोतरियाँ। ओके, जिसे हम बोल सकते हैं कि मॉनेटरी लेवर्स को कंट्रोल करके। यस सर। मॉनेटरी लेवर्स कौन कौन से होते हैं? CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है? ओके सर। CRR कितनी चल रही है? 4% सर। और इन दरों को कंट्रोल करने की जो पॉलिसीज है इसको मॉनेटरी पॉलिसी बोला जाता है, राइट? और ये जो गवर्नमेंट है वो भी कंट्रोल करती है इन्फ्लेशन को, वो कंट्रोल करती है फिस्कल पॉलिसी, राइट? ओके सर। तो मैंने आपको जो इंटरव्यू लेता रहते हैं उसमें कई बार फिस्कल पॉलिसी का नाम आ गया है, तो हम आगे बढ़ते हैं। यस प्लीज लविशा। नेगोशिएबल एक्ट में क्या था? नेगोशिएबल एक्ट इज ए ग्रांटिंग ए डॉक्यूमेंट फॉर ए स्पेसिफिक मनी। मनी के लिए सर एक ग्रांटिंग होता है एक्ट इसके। ओके, और इसमें क्या चीज होती है, यानी कि इसमें कुछ कौन से सन से शुरू हुआ था? 1881। सेक्शन 13 क्या कहता है? इसके अनुसार किसी खाते का बैलेंस किसी व्यक्ति को ना बताया जाए, नहीं बताया जाएगा। 18 क्या कहता है? चेक पर लिखी गई राशि, जो राशि लिखी होती है शब्दों और वर्डों में, यस, उसमें अगर मैच ना हो तो पे नहीं किया जाएगा। ओके, और अगर पे करना पड़े तो? तो जो शब्दों की राशि होती है उसके। वेरी गुड। और 131 भी एक्ट कहता है कुछ नाम के अकॉर्डिंग, जिसका नाम जैसा लिखा हुआ है। यस सर, राइट। इसमें चेक पर जिसका नाम दिया होगा उसी को ही चेक का भुगतान किया जाएगा। ओके, और 138 क्या कहता है? अगर ओनर का चेक बाउंस हो जाए तो ओनर पर केस किया जा सकता है, राइट? तो इंटरव्यूअर आपको इतना टाइम नहीं देगा, ये एक मॉक सेशन है इसलिए आपकी हेल्प हो रही है। इंटरव्यूअर सिर्फ आपको बिल्कुल इनकी तरह बोलेगा कि नेगोशिएबल एक्ट सुना है बताइए, उसके बाद वो आपको मेरी तरह हेल्प नहीं करेगा, ये आपके ऊपर है कि मैं कितना इस बात को एलेबोरेट करूं, कितना एक्सप्लेन करूं, राइट? इंटरव्यूअर इज वेरी हार्श आई कैन से, और वो इतना मौका नहीं देता आपको, वो तो जस्ट क्वेश्चन थ्रो करके अपना आराम से रिलैक्स करता है, उसको कोई मतलब नहीं आपको आता है नहीं आता है, तो तुम्हें अपनी जस्टिफिकेशन दिखानी है, राइट? एट दैट टाइम। यस प्लीज, मोर क्वेश्चंस यू कैन। डीमैट अकाउंट्स क्या होते हैं? डीमैट अकाउंट के बारे में कुछ बता दो। डीमैट अकाउंट इज डीमेटलाइज्ड अकाउंट, जस्ट लाइक एज ए बैंक अकाउंट, राइट, वेयर एक्चुअली मनी रिप्लेस्ड बाय शेयर। ओके, इट इज रिक्वायर्ड ए अकाउंट टू बाय शेयर एंड सेव, राइट।
यू मीन टू सी परचेज शेयर्स एंड ऑल दिस थिंग्स राइट। जिस तरीके से मनी के लेन देन के लिए हम बैंक अकाउंट खुलवाते हैं बिल्कुल उसी तरह डीबीटलेस अकाउंट हम शेयर्स के लेन देन के लिए खुलवाते राइट। आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं? नो सर। आपने सुना है शेयर मार्केट के बारे में? कितने तरीके के शेयर्स होते हैं? नहीं मालूम तो इंटरव्यू पूछेगा आपसे वहां पर आईसीआईसी बैंक के अंदर। इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, दो तरह के शेयर्स होते हैं। जो आप शेयर्स खरीदते हैं वो शेयर्स कौन से होते हैं? प्रेफरेंस होते हैं या इक्विटी होते हैं? दे आर ऑफ इक्विटी शेयर्स। सो मिस्टर मनप्रीत, यू स्टेटेड दैट यू लव मीटिंग न्यू पर्सनैलिटीज, आपको लोगों से अच्छा लगता है मिलना, आपको आप बैंकिंग टर्म्स भी सीख कर आए हो राइट। सो वी वॉन्ट टू आस्क सम पर्सनल क्वेश्चन फ्रॉम यू, यू कैन गर्ल्स प्लीज कैरी ऑन। हम नहीं जा पाएंगे तो ऐसा तो नहीं है? ऑल इंडिया कश्मीर टू कन्याकुमारी सेम फॉर यू, यू कैन गो एनीवेयर। चलिए मुझे बताइए एक बात कि मान लीजिए हम आपको ट्रांसफर करते हैं किसी एरिया में जहाँ पर आपकी लैंग्वेज भी नहीं बोली जाती और आप ऑलरेडी बोल रहे हैं इंग्लिश इज माय वीकनेस, यस सर, तो आप क्या समझेंगे और वहाँ कैसे मैनेज करेंगे अपने आप को? सर मैं अपनी इंप्रूवमेंट करूंगा सर, okay. और मैनेज करने की कोशिश करूंगा। ओके, यू मीन टू से कि आप इंग्लिश तब तक इंप्रूव कर लेंगे, एटलीस्ट सेकंड लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड तो मैं जानकर रहूंगा राइट? यस सर, बिल्कुल। इसलिए हम चाहते हैं कि यू शुड नो एटलीस्ट इंग्लिश व्हिच वुड हेल्प यू एनी पार्ट ऑफ द कॉर्नर ऑफ इंडिया, इज इट? ओके सर। यस, मोर क्वेश्चंस प्लीज। आर यू मैरिड? नो। You like love marriage or arranged marriage? Arranged marriage. Why you like arranged marriage? Sir, जो जैसा चाहेंगे वैसा ही करना चाहेंगे हम। Okay, so you don't like love marriage at all? No sir. Okay, so he is a mother's boy, good boy. Okay, चलिए check क्या होता है? Check is a important instrument. Okay. By mere hand delivery. Okay. It is made to convenient and safe payment. Right. So it is less risky. So ये तो draft की भी definition हुई, mere hand delivery और less risky. No sir, draft is a bank that also I pay first. Okay. So check is a basically promise to bank by to pay her. Okay. You mean to say कि draft के अंदर हम already पहले pay कर देते हैं और check के अंदर हम बाद में पे करते हैं, बिल्कुल यही कहना चाहते हो? यस सर। ओके, सो बिल्कुल ये डिफरेंस तो रहेगा हमेशा। मनप्रीत हमें बताइए कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है आपके अंदर, बताइए कुछ भी अच्छी बात आपके अंदर। सर आई हेल्प एवरी पर्सन। ओके, आप हेल्पफुल नेचर के हैं। यस सर। ओके मनप्रीत, मान लो आपके पास कोई व्यक्ति आता है, आप बैंक के अंदर हो और हमने आपको जॉब दे दिया। Yes, sir. कोई व्यक्ति आता है वो बहुत जल्दबाजी कर रहा है, मुझे 500 रुपीस चाहिए, मुझे जल्दी चाहिए, प्लीज मेरा विड्रॉ करना है, अर्जेंट है, और लाइन को तोड़ रहा है बार बार कि प्लीज जल्दी करिए जल्दी करिए, तो ऐसे व्यक्ति को आप क्या सजेशन दोगे? सर पहले तो मैं उनसे यही कहूंगा कि आप लाइन में रहिए और okay. जैसे आपका नंबर आएगा अगर उनको कोई इमरजेंसी है तो मैं उनसे फर्स्ट उनको पहले दूंगा और अगर किसी कस्टमर को परेशानी ना हो। ओके, सो मेरी ये गाइडेंस है कि इस तरीके के व्यक्ति को आप एटीएम का सजेस्ट कर सकते हैं क्योंकि 500 एक बहुत नॉमिनल अमाउंट है, वो जाकर एटीएम से निकलवा ले, अननेसेसरी लाइन में खड़ा हो तंग हो रहा है राइट। yes, क्योंकि अगर आप उसे दे भी देंगे तो भी क्यू वाले लोग परेशान होंगे। yes, कुछ लोग आपको जरूर तंग करेंगे राइट। yes, तो आप इस बात का ध्यान रखना। चलिए मान लीजिए 4 o'clock हो चुकी है और टाइम कंप्लीट हो चुका है बैंक का और आपने ऑलमोस्ट रिजॉल्व कर दिया है अपना बैंकिंग ट्रांजैक्शन सब कुछ, अचानक एक आदमी आता है दौड़ता है और बोलता है सर मुझे अर्जेंट पैसा चाहिए प्लीज, आपके यहाँ अकाउंट भी है उसका, तो आप क्या करेंगे? सर मैं अपने मैनेजर को बताऊंगा, अगर वो सजेस्ट करेंगे तो मैं उनको पे करूंगा। ओके, सो डेफिनेटली कस्टमर इज गॉड, कस्टमर इज अ किंग, तो आप डेफिनेटली उसकी हेल्प करना पसंद करेंगे। यस सर, दैट्स वेरी नाइस, आप कोशिश जरूर करेंगे कि अगर वो अर्जेंट कह रहे हैं तो डेफिनेटली उसके घर पे कुछ बात ही होगी तो उसको पैसा चाहिए राइट। चलिए आपने बताया था CRR कितनी चल रही है? 4%। श्योर? यस सर। ओके वेरी राइट। अच्छा ये इंडियन बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था, आपको ध्यान है, राष्ट्रीयकरण किया गया था, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट? सर इसमें कुछ बैंकों के में घोटाला हो रहा था, उसको एक स्थिति में लाने के लिए किया गया था। क्या प्रोसेस क्या हुआ था, क्या कुछ हुआ था बताइए थोड़ा। सबसे पहले इसमें 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 40 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ओके, और उसके बाद 1980 में 6 बैंकों का और राष्ट्रीयकरण किया गया था। ओके,
सो क्या पर्पस क्या था घोटाला, क्या क्या घोटाला हो रहा था इसमें? इनमें सर निम्न लोग थे ना, उनको लाभ नहीं मिल रहा था। वेरी गुड। जो जो बैंक से बड़े जुड़े हुए थे उनको लाभ दिया जा रहा था। और बैंक का पर्पस क्या है? सभी को एक समान। यस, फाइनेंशियल इंक्लूजन जो इन दिनों चल रहा है, राइट, वित्तीय समावेशन, तो वो प्रोसेस हो ही नहीं रहा था। माइक्रो इंटीरियर तो दूर की बात थी जो अब चल रहा है। उससे पहले सिर्फ एक पूंजीपति लोग ही उसको बेनिफिट ले रहे थे, राइट। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया ताकि कुछ सरकारी के अंदर आकर लोगों को अवेयर कराया जाए, इज इट इट? यस सर। चलिए, जो भी हमने आपसे क्वेश्चंस पूछे हैं आपने अपनी तरफ से ट्राई किए हैं उनको बताने का, राइट? यस सर। एनपीए के टाइप्स बता सकते हो आप हमें? एनपीए के टाइप्स आपने नहीं सुने? सुना तो है सर। क्या होते हैं टाइप्स, मतलब क्या होता है इसका? कुछ लोग टाइम पर पेमेंट करते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड। इंटरव्यूअर इतना समय नहीं देगा, फिर से बोल रहा हूँ रोज तुम्हें कि इंटरव्यूअर सिर्फ एक बार पूछेगा एनपीए के टाइप्स कितने हैं। आपको नहीं आते तो नहीं आते, वो आपको हमारी तरह हेल्प नहीं करेगा, थोड़ा सा हिंट देगा फिर हेल्प करेगा, नहीं ऐसा नहीं है। चलिए बताइए, स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड क्या होता है? जो इसमें पे ऑन टाइम। वेरी गुड। सब स्टैंडर्ड पे ऑन इन थ्री मंथ, नॉट थ्री, ट्वेल्थ मंथ। ट्वेल्थ मंथ, यस। थ्री मंथ तो होता ही नहीं, नाइन मंथ का तो पीरियड ही है। डाउट्स पे आफ्टर ट्वेल्थ मंथ। ओके। एंड लॉस अबव थ्री ईयर। ओके। जिस पे कोई होप नहीं होती, इजंट इट? कोई उम्मीद नहीं होती। यस सर। चलिए, इट्स राइट टाइम टू चेक हिज सेलिंग स्किल्स। चलिए, तो ये मोबाइल है, इट्स ऑफ सैमसंग डुओस। ओके, आपको ये मोबाइल सेल करके दिखाना है। माई ब्लेसिंग्स टू यू, देखते हैं आपकी कैसी पकड़ है इसको सेल करने के लिए। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मिस्टर मनप्रीत। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आई एम मनप्रीत सिंह, आई एम फ्रॉम सैमसंग मोबाइल कंपनी। दिस इज एन एक्सलेंट फोन सैमसंग कंपनी। ओके। इट इज ए ग्लास कवर। ओके। जो वी कैन इजिली नॉट स्क्रैच। ओके। सो इट इज बैटरी ऑल्सो अवेलेबल। बिग मैनी होर्स आर स्टैंड बाई टाइम। ओके। स्टैंड बाई टाइम। इट इज कैमरा ऑल्सो वेरी क्लियर क्वालिटी विद ऑल्सो अवेलेबल ए फ्लैश लाइट। ओके, देयर इज अ फ्लैश लाइट ऑल्सो, दैट्स नाइस। इट इज फास्ट चार्जर। ओके, विच चार्जर? नाउ डेज देर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्जर्स आर कमिंग इन द मार्केट, सो कैन यू नेम? टर्बो चार्ज। टर्बो चार्ज। ओके। इट इज वेरी स्लिम। ओके। इट इज स्क्रीन साइज इज 5.5 सेमी। ओके। इट इज अवेलेबल ऑल मोबाइल शॉप्स। नाउ न्यू ईयर स्पेशल ऑफर, यू गेट वन सैमसंग मोबाइल, ही इज प्रोवाइड, वी विल प्रोवाइड, वी विल प्रोवाइड द 10% डिस्काउंट। ओके, सो यू आर गिविंग अ डिस्काउंट ऑल्सो, डेफिनेटली विल परचेज द मोबाइल, ही हैज सोल्ड वेल। यस, बट इट लुक्स एज इफ यू आर इन लिटिल टेंशन, सो इट शुड बी स्माइलिंग फेस ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो नेसेसरी वाइल सेलिंग एनीथिंग। ओके, चलिए, इट्स नाइस, यू हैव स्टेटेड ऑल द आंसर्स। सीबीएस वर्ड सुना आपने? सीबीएस, व्हाट डज इट मीन? कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। ओके, सेंट्रलाइज्ड मीन एनीवेयर बैंकिंग इन इंडिया। ओके, इट इज रिक्वायर्ड ऑनलाइन चेकबुक एंड मल्टी कोर्स चेकबुक। ओके, मिस्टर मनप्रीत, हमारे पास बहुत कैंडिडेट्स है, आपके अंदर ऐसी क्या बात है, कोई स्पेशल बात है बाकी सबसे जो आप डिफरेंस है, कुछ ऐसा लगता है जिसकी वजह से हम आपको सेलेक्ट करें? ऑल्दो आई प्रेजेंट आई कांट जज अदर हु आर स्टैंडिंग इन ए क्यू लाइक मी, I assure that you about myself. I am determined and dedicated person, special toward my works. Okay. I assure that if you give me a chance, I'll justify my work by working honestly and sincerely. Okay. I am affable and a good relationship builder. I really need a platform to show my strength. Okay. Answering अच्छी है, score और natural बनाओ, अभी थोड़ा सा artificial look आता है 10%. इसको भी हटाओ, जितना उसके नेचुरल वे में आने दो, फिर ये आंसरिंग और वर्ड्स बहुत अच्छे लगेंगे। जीडीपी बता सकते हो? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, इज अ प्राइमरी इंडिकेटर ऑफ अ कंट्री। ओके, इट इज अबाउट डिफाइंड कंट्री इकोनॉमिक्स। ओके, मतलब कंट्री के अंदर अंदर विद इन द कंट्री अगर कोई प्रोडक्शन हो रहा है उसकी वैल्यू, राइट? यस, दैट इज टू बी नोन एज जीडीपी। जीएनपी क्या होता है? जीएनपी इज व्हेन वी आर एडिंग द आउटर पार्ट ऑफ द कंट्री, जब इंडिया के बाहर के पार्ट में जो हमारी जो प्रमोशन, जो हमारा प्रोडक्शन हो रहा है उसकी वैल्यू हम जीएनपी कहलाते हैं। और जीडीपी इज विद इन द कंट्री इन अ ईयर और सेम इन अ ईयर, दैट इज जीएनपी। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एंड जीएनपी। जीएनपी जहां पर हम आउटर पार्ट भी लेते हैं और जीएनपी जीडीपी जहां पर हम विद इन इंडिया लेते हैं, इजंट इट? बहुत से एनआरआईज वगैरह की अर्निंग्स है, विच इज वी आर सेइंग इट, राइट? यस सर। ओके,
So almost Manpreet, you have stated the good interview today. क्या लगता है, what are the weaknesses you found in him? होनी चाहिए. ओके, सो बैंकिंग टर्म्स देर इज लैकिंग. ओके, ट्राई अप दैट. आपने ऑलरेडी बता दिया सर, इंग्लिश इज माई मेजर वीकनेस, मैं उसको इम्प्रूव करना चाहती हूँ. चलिए आप उसको करिए अच्छे से इंग्लिश इम्प्रूव, राइट? वॉट यू फील कुनिका इज अ लिटिल बिट इम्प्रूवमेंट इन हिम, क्या कमी लगती है अभी? थोड़ा हेजिटेट करता है. इज हेजिटेटिंग लिटिल बिट. ओके, सो देर विल बी बोथ मेल्स एंड फीमेल्स इन योर इंटरव्यू, सो एट दैट टाइम यू शुड नॉट हेजिटेट. ओके सर. यस, मोर अपनी प्रैक्टिस को इतना कर लेंगे, इफ देन देयर इट विल बी वेरी इजी फॉर हिम टू आंसर एनी क्वेश्चंस. मोर दैट्स ओके. ओके, सो ऑलमोस्ट यू ट्राइड वेल. ओके, हियर इट्स द राइट टाइम टू गाइड टू अवर कैंडिडेट्स ऑल्सो, दैट पीपल आर रीचिंग ऑल ओवर इंडिया एंड दे आर डेवलपिंग फॉर 7 days. यू नो वेरी वेल दैट वी प्रोवाइड फूड एंड अकोमोडेशन ऑल्सो टू आर स्टूडेंट्स. And those who are unable, we provide them telephone courses. There are books available for banking. We usually recommend you Universal Interview book. That is one of the best book. If you want to develop your English, then 70 Ways of Spoken English is one of the best. And for ICICI students, sometimes there are courses where they will take only interviews, like HDFC, there is only interviews. But there are some courses in ICICI even where group discussion plays a vital role. That is, I can say it's a rejection process and interviews a selection process. So at that time, you should prepare well during your group discussions. In our videos, we have placed a separate playlist for you people regarding group discussions. आप हमारे चैनल में जब प्लेलिस्ट में जाइए तो आपको ग्रुप डिस्कशन के और भी बहुत से वीडियोस मिलेंगे. अदर देन दैन बैंकिंग इंटरव्यू के आपको 100 अबव वीडियोस मिलेंगे. दैट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट. सो अगर आप वहां से भी सीखना चाहें, बिल्कुल. सो मनप्रीत, हाउ आर यू फीलिंग एट पीटी क्लासेस? गुड सर. आर यू ग्रोइंग? यस सर. कैसा फील कर रहे हो यहाँ पर? बहुत अच्छा सर. कितनी परसेंट डेवलपमेंट आप फील कर रहे हो अभी अपने अंदर? 50%. ओके, वेरी गुड. 50 तो बहुत ज्यादा होता है. अगर तुम 35 बोलते तो भी मैं खुश हो जाता, क्योंकि अभी वो डेवलपमेंट और चाहिए मुझे. ठीक है, और प्रोग्रेस चाहिए. वर्ड्स अच्छे आपके पास, सिर्फ बताने का वे और अच्छा कर लो तो वो नेचुरल लगेगा. अभी थोड़ा थोड़ा ऐसा, मतलब ये कह सकते हैं कि कोई आम आदमी भी अभी पकड़ सकता है कि आपकी आंसरिंग कहीं ना कहीं से ली हुई है, तुम याद करके बताते हो, राइट? तो वो भी बात ना हो, जिस दिन वो बात नहीं होगी उस दिन हम कह देंगे दिस इज द बेस्ट, राइट? सो इट्स अ मॉक सेशन. हम ये नहीं चाहते हमारे व्यूअर्स से कि ये वो ये कमेंट बॉक्स में लिखे कि हमारा जो मनप्रीत है उसकी इंग्लिश कम है, या वो बोलने का जो लहजा आ रहा है उसमें नेचुरलनेस नहीं आ रही. नहीं, ऐसा नहीं है. ऑब्वियस, हम ऑलरेडी कह रहे हैं कि एक मॉक सेशन है, ये प्रैक्टिस सेशन है, ही इज प्रैक्टिसिंग, बट डे इज नॉट फार व्हेन ही विल ग्रो अप एंड वर्क लाइक एनीथिंग. वी हैव लॉट मेनी स्टूडेंट्स, दोज हु आर वर्किंग इन ICICI बैंक. हमने ऑलरेडी अपने वीडियोस के अंदर बहुत बार आपको स्टूडेंट्स डिस्कस भी किए हैं, दोज आर वर्किंग ऑल इंडिया, जो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से आए थे एंड नाउ दे आर अर्निंग अलॉट. सो इट्स राइट टाइम टू गिव यू बेस्ट विशेस. ओके, थैंक यू वेरी मच. बेस्ट लक.